अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमी शाह और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो चैनल मैंने न्यू बनाया वो आप देख रहे हैं। उसमें पहली वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। उसमें आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे प्राइवेट दे रहे होते हैं पेपर में पॉलिटिकल साइंस के, तो लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनका सिलेबस क्या है, उन्होंने क्या चीज़ तैयार करनी और क्या चीज़ तैयार नहीं करनी। तो आज मैं उनको डिटेल के साथ ये सब बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो क्या है, उसके पेपर्स क्या हैं, उसकी मार्किंग क्या है, उसका उसके हर पेपर के हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ उनके पार्ट वन और पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में जैसे कि आपके सामने हैं ये पांच पेपर हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, ठीक है। ये देखिए कंपलसरी पेपर हैं हमारे पास। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को जो हम उर्दू में कहेंगे तो वो मगरबी सियासी अफकार है। ये 100 नंबर का पेपर होता है, कुछ बच्चे उर्दू में देंगे और कुछ पेपर बच्चे इंग्लिश में देंगे, तो इसलिए मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। जो उनका दूसरा पेपर होता है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट का होता है, उसमें मुसलमानों के सियासी अफकार और इदारे शामिल होते हैं, ठीक है। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है। और उसके बाद तीसरा जो इनका पेपर होता है वो है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, जो कि 100 नंबर का पेपर है। इसी तरह यानी कि उर्दू में उसको कहेंगे तकाबली और तरक्याती सियासत। इसके अलावा चौथा पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो कि 100 नंबर का पेपर है, इसको उर्दू में कहेंगे बैनुल अक्वामी ताल्लुकात। इस तरह पांचवा पेपर आ जाता है आइडियोलॉजी एंड डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये भी 100 नंबर का पेपर है, इसको उर्दू में कहेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती तारीख हुकूमत और सियासत। खैर ये एम ए पॉलिटिकल साइंस है, एम ए पॉलिटिकल साइंस को उर्दू में जो कहा जाता है एम ए सियासियात कहा जाता है। साल अव्वल यानी कि पार्ट वन को हमने डिस्कस किया है। पार्ट वन में हमारे पास पांच पेपर आएंगे, पांच पेपर जो कि कंपलसरी होते हैं, पांच पेपर के 100 नंबर 100-100 के लिहाज से 500 नंबर बनेंगे। इनके पेपर्स का पैटर्न और इनका मतलब जो इनका जो सिलेबस है पेपर वन बाई वन का कोर्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको पेपर के डिस्क्रिप्ट बता रही हूँ कि पार्ट वन में क्या है और इसके अलावा पार्ट टू में क्या है। ये हमने पार्ट वन डिस्कस किया है। पार्ट वन के बाद हम आ जाते हैं पार्ट टू की तरफ। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी का पार्ट टू है। पार्ट टू में आपके सामने ये सारे पेपर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें जो पेपर वन जो हमारे पहले दो पेपर होते हैं वो हमारे पास कंपलसरी होते हैं, उसके बाद जो नीचे कोई से भी पेपर्स में से हम तीन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो पेपर है कंपलसरी पेपर्स में पेपर यानी कि हमारे पास 6 आ जाएगा, लेकिन पार्ट टू के लिहाज से पेपर 1 हो जाएगा। मगर भी सियासी अफकार आ गया है, सॉरी कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गए पाकिस्तान मूवमेंट, ये हमारे पास आ गए हैं पेपर दो। और उसके बाद कोई भी ऑप्शनल में से आप तीन ऑप्शनल हैं, आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनमें से जो सिलेक्ट किया है वो मेरे पास है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, हम मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है, और इसमें से पब्लिक पॉलिसी मैंने सिलेक्ट किया, और उसके अलावा मैंने जो सिलेक्ट किया है वो पॉलिटिकल जियोग्राफी है। इन सब पेपर्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं आपको बाद में वन बाय वन करके वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट वन और पार्ट टू के पेपर्स थे। पार्ट वन के नंबर्स हमारे पास 500 हैं। इसी तरह पार्ट टू के 5 सब्जेक्ट रखते हुए हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो 500 बनेंगे, यानी कि 500 बनेंगे। टोटल हमारे पास 1000 नंबर्स होते हैं, 10 हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। लास्ट टाइम की अगर डेट शीट देखी जाए तो पहला पार्ट वन का पेपर हुआ था, फिर पार्ट टू का पेपर हुआ था, फिर दूसरा पेपर हुआ था मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पार्ट वन का, तो दूसरा पेपर यहाँ से उठाया गया था पाकिस्तान मूवमेंट्स, यानी कि वन बाई वन लिए जा रहे थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग कभी भी ऐसा ना करें कि पार्ट वन की तैयारी कर लें और पार्ट टू की तैयारी ना करें, तो दोनों की तैयारी साथ साथ करें। इंशाल्लाह आपको आउटलाइन और उसके कोर्स की डिटेल मैं अगली वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा ये पेज है फेसबुक पर सिमी शाह, एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमी शाह, आप वो भी देख सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स और ये सारी उसमें वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। इसी तरह आप अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से मुतल्लिक कौन से सवाल पूछने हैं। पास्ट पेपर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।